अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके लिए लिखे हैं एक और बेहतरीन पेशकश। दिस इज चुपके चुपके पाकिस्तानी ड्रामा एपिसोड नंबर 3 पार्ट 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ मैं। फाजी भाई, हादी भाई, मीनू, मिर्ची दादी, गुलापा, गुलापा, यस आपा ही है ना? राइट, गुलापा नहीं, आपा मीन्स अप्पी मीन्स आपा, गुलापा, गुलापा ही बोलते हैं, गुलापा बोलते हैं उनको, है ना। एंड देन फिर दादी हैं, बेबे हैं, है ना, बड़े सही हैं यार सबके सब। बड़ा अच्छा लग रहा है। बट सो गाइस चलिए आगाज करते हैं। ऑटो कैसे है यहाँ पे? कैसे ऑटो होते हैं ऑटो? येलो कलर। वालेकुम सलाम। पिछले महीने तो गई थी, क्या हुआ? सब गोल माल है, रक्षे को फारिग करता हूँ। चाचा 10 रुपए ज्यादा लेने में ये वाला अंदर खुद ही ले आना। 10 रुपए? फाजी भैया आपका ना फोन चेक कर रही थी मीनू माजी। नहीं 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 नहीं, ये झूठ है बिहारी बच्ची। अल्लाह का पक्का वादा, और थप्पड़ भी मारा था मुझे। ये भाई है, जबानी तो चलती है इसकी, दिमाग को तो जंग लगा हुआ है ना। झूठ बोल रही है ये। अच्छा वो सिस्टर आई है। अरे भाई जी। मटर पुलाव तैयार हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह।
गिलास चावल में कितना पानी डाला? पूरे 6 गिलास। 6 गिलास? 2 गिलास चावल में 6 गिलास पानी। ओ लड़की, तुम्हें बटर पुलाव लग रहा है? ये तो लई बना दी तुमने, लई। लई? ना कटवाऊंगी, तुम ससुराल जाके कोई कौन जैसे करना आता। वैसे बेबी बता रही थी जब आप शादी करके आई थी ना तो आप भी अच्छी खासी पुअर थी। अच्छा मैं तो आगे फंस रहे थे। मैंने वो हरकत तो सुन ले जो ये मेरे साहब हमारे घर में करके आई है। क्या करके आई है? तेरी दादी का सिर खोल के आई है। हुआ क्या बेटा? किफायत चाचा पूछे से पूछे कौन है वो लड़की जिसके साथ चक्कर चल रहा है मेरा। अरे ये कहां से सुनाती हो तुम बेवकूफ बातें? मुझे भी बताए थे बाजी ने। कावा टोली अप्पू बोली। आप लोग भी तो चले गए ना सब छोटी अम्मा के पास सिफारिश लेके। अरे हम तो सिर्फ उनकी मदद करने के लिए गए थे। और जो वहाँ मेरे खिलाफ महाज खुला है उसे कौन बंद करवाएगा? पूछे से आप सब लोग पूछे क्यों झूठ बोल रही है? वो मैंने तो फोन पे बात करते हुए सुना था आपको। बताओ बताओ मैंने मुझे क्यों फंसा रही हो? तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। सच सच बताओ बोली। अच्छा मैंने सिर्फ 2 जुमले सुने थे बस। जुमले? ये देखकर मैं बताऊं पिछले 2 दिनों से किससे फोन पे बात हो रही है मेरी? 3 कॉल्स हैं और वो भी रूमी को। जी हाँ रूमी से बात हो रही थी। अपनी नंद को फंसाना चाह रही है मेरे साथ। हेलो उन्हें तो खोता ही खूज फंसता। अब मैं तो कुछ और ही समझी थी। तुम्हारी समझ रानी ना हमेशा से ही बहुत छोटी रही है। मीनू बेटा गलत गुमान रखना भी बहुत बड़ा गुनाह होता है। इसको कहते हैं अकल नहीं तो मौजा ही मौजा। चलो सॉरी बोलो भाई को। Sorry. I don't forgive you. खाप खा की मुसीबत डाल दी मेरे गले में। चलो अभी सब नींद में हो गए ना। वही सोचो फांसी में। जाके साफ कर अपना कचरा। चलो। ए मिर्ची, इधर आ जरा कंधे के बाहर में गया। बेबे, मुनीबा ना है मेरा। अच्छा भाई मुनीबा बाजी आओ मेरे मुंडे कुट दियो। काबा। मुंडे कुट दियो। ठीक है तू सादा भाभी निकल दिए ऐसे में बीच। ओहो बुआ जूस पीसो। कब बिच्ची आग लगा कर निकल गई पता नहीं कौन होगी वो लड़की। जो भी है ना अम्मा मैं उसकी शादी फाजी से हरगिज नहीं होने दूंगी। बेटा जिसके हाथ तो यूं कहर कोई देखो जरा गुल की नाक के नीचे गुल खिला दिया। जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो पूरा जाने। तुम चुप करो जानते नहीं हो मुझे। मर जाऊंगी अम्मा मैं लेकिन वहां नहीं होने दूंगी शादी। पता नहीं कौन होगी वो लड़की। जो भी लड़की होगी तुम तीनों की बादशाह खतरे में है। अम्मा अब्बा ने सब कुछ भाई के नाम कर रखा है। मैं बता रही हूँ अगर ऐसी वैसी आती है सबसे पहले हम तीनों को निकाल के बाहर करेंगी। बेवकूफो मैंने कहा था ना शुरू में अल्लाह मियां की गाय ढूंढो और उस बैल को किसी खंभे के साथ लगा दो। लेकिन तुम साहबजादियों के नखरे नहीं खत्म होते। आखिरी रिश्ता भी रिजेक्ट कर दिया। हाँ तो उसकी शक्ल छुरी जैसी थी लग रहा था सबसे पहले आके मुझे हलाल करेगी। रूमी सुन अब अपने शोहर के कान में कुछ फूंक मत देना। मैं तो इस वक्त ये सोच रही हूँ आपा कि फाजी भैया ने इतनी हिम्मत कर कैसे ली। तुम लोग मानो या ना मानो ये सारी शय उस बद परवर की दी हुई है। तुम्हारी पुप्पी नन्नी की भाग भाग के उसके पास जाती थी और ऐसा जान चढ़ाया कि सारे खानदान ने देखा। एक बार बस मुझे पता चल जाए वो लड़की है कौन घर जाके उसकी अच्छी इंसल्ट करूंगी मैं। तू क्या कर रहा है? जूस पीसो। ख्याल से भिंडी को जाया नहीं करना ना। कैसे पी रहा था? बकवास मत करो अपनी शक्ल गुम करो अपनी। बड़ी जेम्स बॉन्ड बनी फिर रही थी उस्ताद जी को प्यार हो गया। मुझे लगता है उन्होंने लड़की का नंबर ना रूमी के नाम से सेव करके रखा अपने फोन में। रस्सी जल गई पर बल ना गया। बेला बाजी ये क्या किया? क्या था ये? तुम तो चुप करो बड़ी कमाई कर रही थी मेरे खिलाफ। मैंने क्या किया है? मिर्ची भाग गया ना उस बाजी का सारा वो सब उसमें उतरेगा। और तुम भी अपनी मनुष्य कल घूम करो क्रिकेट खेलो जाके। मुझे तो हंसी आ रही अब तक तो फाजी भैया को बोल्ड भी कर चुके होंगे। ट्रिपल आर। ट्रिपल आर? हाँ राना रमीशा रामी हो गए ना ट्रिपल आर। तुम ट्रिपल ना सही लेकिन डबल शर्म कर लो बड़ी है तुमसे। अब जाओ यहाँ से काम करे तो मुझे नापा हिल्ला बन के आ जाएगी। अच्छा वो दुआ करना कल मेरी सेंचुरी हो जाए। प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ लॉन में।
बिन शानदार, सिफर पे आउट हो गया, मलंगी की बद्दुआ है। बाजी लड़की तो कूल है पर दुनिया बड़ी फजूल है। तोड़ो टांगे भी तुम्हारी, रगाओ तुम्हें, बड़ी जबान चलने लग गई है इसकी। अम्मा यार आप लोग चला है या? अरे यार रो रो के मजीद आईसाइट खराब कर लोगी अपनी। अल्लाह ना करे, नफरत हो चुकी है मुझे मनूज ग्लासेस से। अरे छोड़ो इन चश्मों को, गलत फहमी हो गई थी मीनू को, ऐसा कुछ नहीं है। सच बताएं भाई, क्या सच में गलत फहमी हुई है उसे? 100% बात का बतंगड़ बना दिया उस चाहे लड़की ने। तुम्हें मेरा यकीन नहीं आ रहा ना, तुम हादी को फोन करके पूछो। इतनी सी बात पर तो नहीं कर सकती मैं उन्हें फोन। यानी तुम्हें आ रहा है यकीन? हाँ आ रहा है यकीन। ओह या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है किसी को तो आया। अब जाकर अम्मा और छोटी को देखो। ये सारा फसाद तुमसे बात करने के चक्कर में पड़ा है। हाँ तो क्यों नहीं तोड़ी मीनू की गर्दन? छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं उसे। पापे कुट दी, बनी बनाई दूसरी बक बरबर है। शुक्र है कि मुझे हकीकत में कोई लड़की पसंद नहीं आ गई, वरना या तो World War III शुरू हो जानी थी। तो जाहिर है भाई, घरों के अरमान नहीं होते। कैसे बैठे हैं? इन अरमान के पीछे ना मेरी बैठ बच चुकी है। सबर का फल मीठा होता है मिठन। मेरा फल तो लगता है गल सड़ गया है, बल्कि कुछ अरसे में कीड़े भी पड़ जाएंगे। बस की फिकर, बड़े अरमानों के साथ टक्के की चोट पर करूंगी अपने मिठन का ब्याह, दुनिया देखेगी। मिठन का ब्याह हमारा रिएक्शन ऑन चुपके चुपके एपिसोड नंबर 3 Part 1 बहुत इंटरेस्टिंग था। हमने खूब एंजॉय किया है, होप आपने भी एंजॉय किया होगा हमारे साथ। अगर आपने किया है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक अ वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। तो मिलते हैं।